बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी बेटा जी तो आज का हमारा जो टॉपिक है चूंकि आपको पता है प्रीवियसली हमने स्टार्ट की थी बेसिक की तो आज जो हमारी कमांड है वो स्टार्ट हो रही है फाइल्स कमांड ठीक है पहली कमांड है आज की हमारी फाइल्स कमांड ये क्या करती है बेटा ये बिल्कुल जैसे नाइन्थ में आपने डॉस पढ़ी थी ना डॉस के अंदर क्या होता था कि डी आई आर कमांड एक इस्तेमाल करते थे हम उससे क्या होता था कि वो उस फोल्डर में या जिस भी फोल्डर में आपने अगर पाथ दिया हुआ है उससे रिलेटेड जितनी भी फाइल्स हैं वो शो कर देता था लिस्ट वाइज तो फाइल्स कमांड जो है ये भी तकरीबन वही काम करती है कह रहा है जी, इसकी डेफिनेशन देख लें आप दिस कमांड इज यूज टू लिस्ट क्या

और आगे पाथ नेम ऑप्शनल है यानी कि अगर आप इसको ना भी दें तो जहां पर आपने फाइल्स लिखा है एंटर कर दें तो ऑटोमेटिकली जो है ये उस जगह की जितनी भी फाइल्स हैं उनके नाम शो कर देगा ठीक है बड़ी ब्रैकेट में है ना पाथ नेम तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि डॉस uh, में भी ऐसा ही था uh, और जो है यहाँ पर बेसिक में भी ऐसा ही है कि सिंटेक्स में जो भी चीज डबल बड़ी ब्रैकेट के अंदर होती है वो ऑप्शनल होती है ले जी तो कह रहे जी इंटरप्रेशन uh, में भी आप देख लें जैसे मैंने आपको बताया कि फाइल्स कमांड डॉस में डी आई आर कमांड से मिलती जुलती है तकरीबन वही काम करती है तो वहां पर हमने दो वाइल्ड कार्ड्स पढ़े थे याद होगा आपको वाइल्ड कार्ड डॉस के अंदर डी के साथ वो क्या थे ये एस्टेरिक था और क्वेश्चन मार्क था बिल्कुल वैसे ही आप यहां पर भी क्वेश्चन मार्क और एस्टेरिक को यूज कर सकते हैं आप क्वेश्चन मार्क से क्या होता है और एस्टेरिक से क्या होता है क्वेश्चन मार्क इज यूज टू मैच एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर यानी आपने कोई फाइल लोकेट करनी है और आपको उसका नाम नहीं पता आपको बस कैरेक्टर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पता है तो आप उतने क्वेश्चन मार्क लगा देंगे ठीक है और अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता आपको एग्जैक्टली नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी नहीं आ तो आप स्टेरिक या स्टार लगा लेंगे

डॉट डी जो है अच्छा डॉट के बाद जो भी नाम होता है वो एक्सटेंशन होती है फाइल की ये बात तो आपको पता ही होगी नाइन्थ में मैंने आपको बताई थी कि हर फाइल की एक एक्सटेंशन होती है और एक्सटेंशन जो है वो उस फाइल के नाम के बाद डॉट के बाद नॉर्मली तीन या चार करेक्टर होते हैं तीन ही होते हैं तो जैसे कि यहां पर यह डॉट डी है डॉट डी एक्सटेंशन होती है डॉक्यूमेंट फाइल यानी वर्ड की फाइल्स कोई भी आप फाइल सेव करते हैं तो उसकी ऑटोमेटिकली वर्ड उसकी फाइल के साथ एक्सटेंशन लगा देता है डॉट डी अच्छा एक्सटेंशन हम खुद नहीं देते जब आप फाइल को सेव करते हैं तो ऑटोमेटिकली जिस सॉफ्टवेयर में आप सेव कर रहे होते हैं वो उसके साथ जो है उसकी फाइल की टाइप लगा देता है क्योंकि इसी से तो विंडो को पता चलता है कि ये 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 किस सॉफ्टवेयर में फाइल ओपन करेगी यानी किसके साथ लिंक करती है ठीक है ले जी तो अब अगर हम चाहते हैं कि हमें सारी डॉक्यूमेंट फाइल्स देखनी है सारी डॉक्यूमेंट्स फाइल देखनी है तो आप क्या कमांड लगाएंगे फाइल्स स्टार डॉट डीओ सी लगा दी स्टार का मतलब है तमाम ए टू जेड हमें नंबर ऑफ करेक्टर नहीं पता तो स्टार लगा के जान छुड़ा दी आगे डॉट डी का मतलब है हमने ये मखसूस कर दिया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सारी की सारी डॉट डीओसी की एक्सटेंशन वाली फाइल्स चाहिए ठीक है थीके? इसी तरीके से आप पाथ भी दे सकते हैं कह रहे जी के फाइल्स डी कॉलन डी कॉलन का मतलब यहाँ पे क्या है डी ड्राइव को शो कर रहे हैं डी ड्राइव के अंदर मौजूद मुझे सारी फाइलें देखनी है तो स्टार डॉट स्टार उसने लिख दिया स्टार डॉट स्टार का यहाँ पर क्या मकसद है कि आपने पहले स्टार का मतलब है तमाम नामों वाली और आपको पता है कि नाम के बाद डॉट लगता है और डॉट के बाद जो दूसरा स्टार है उसका मतलब है तमाम एक्सटेंशन वाली यानी तमाम नामों वाली तमाम एक्सटेंशन यानी कि ऑल टू ऑल यानी ए टू जेड जितनी भी फाइलें हैं मुझे डी ड्राइव की दिखा दो तो उसने पाथ दिया डी कॉलन और आगे आगे उसने जो है वो आपको पता है वाइल्ड कार्ड यूज कर लिया स्टार डोर स्टार स्टार डोर स्टार का मतलब होता है ए टू जेड ऑल ठीक है तमाम नामों वाली तमाम एक्सटेंशन वाली ठीक है वो सारी फाइलें डी ड्राइव की दिखा देगा इसी तरीके से लिस्ट ऑल द फाइल्स ऑन द डी ड्राइव विद एनी एक्सटेंशन अच्छा जी ये उसने ऊपर उस वाली जो हमने कमांड थी उसकी ये की इस लाइन के अंदर ठीक हो गया ले जी अब आगे आ गया फाइल्स एम ए आर क्वेश्चन मार्क डॉट डी एक्सएलएस ले जी इसका मतलब क्या है वो इस ये क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है कि वो तमाम फाइलें आप मुझे दिखाए जिनके शुरू के तीन कैरेक्टर एम ए आर हैं ठीक हो गया वो तमाम फाइलें मतलब का तो उसके मुताबिक जो है आप वाइल्ड कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं तो अब उसको ये पता था कि पहले चार मतलब चार करेक्टर का टोटल फाइल का नाम है लेकिन चौथा करेक्टर वो भूल गया ठीक है पहले तीन उसको याद थे एक केस बनाया उसने ठीक है तो उसने एम ए आर और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा दी यानी कि चौथा करेक्टर कुछ भी हो सकता है ए बी सी डी यानी जितनी भी फाइलें हैं जिनके नाम के पहले तीन करेक्टर एम ए आर है और उनकी एक्सटेंशन जो है वो एक्स एल एस है ठीक है यानी एक्सएल की फाइल है ये तो वो सारी दिखा देगा जरा गौर कीजिएगा नीचे एक्सप्लेनेशन देखें कह रहा है जी लिस्ट ऑल द फाइल्स

Uh, क्या किया है नहीं यहाँ पर नहीं दिखाया मैं आपको वैसे ही करके देख लेता हूं। ले ये हमारे पास जो है सॉफ्टवेयर है uh, आपको पता बेसिक का तो आपने क्या करना है फाइल्स है। फाइल्स फाइल्स कमांड चलानी है के स्पेलिंग आप देख लें तो ये देख ले मेरे सामने uh, एक चैप्टर नंबर टू के नाम से है जी डब्ल्यू बेसिक के नाम का फोल्डर है बेसिकली इस वक्त मैं कहा मौजूद हूँ सी ड्राइव के अंदर ये ऊपर आपको नजर आ भी रहा होगा ये देखिए सी के अंदर यूजर नाम के फोल्डर के अंदर आसम नाम के फोल्डर के अंदर डेस्कटॉप नाम के फोल्डर के अंदर आगे मतलब जो भी आपका कंप्यूटर का सिस्टम है उसने वो सारी फाइल्स दिखा दी ठीक है इससे ज्यादा हमें अभी इसको देखने की जरूरत नहीं है इसी तरह का उसने यहां पर दिखा दिया ले जी अगली कमांड हमारी किल कमांड किल कमांड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है जी Uh, अभी हमने इससे पहले पिछले लेक्चर में डिलीट कमांड देखी थी उससे क्या होता था लाइंस डिलीट होती थी एक लाइन या एक से ज्यादा लाइंस को आप डिलीट कर सकते थे अगर आपने पूरी फाइल को किल करना है डिलीट करना है खत्म करना है तो उसके लिए किल कमांड इस्तेमाल होती है जी ले जी ले दिस कमांड इज टू रिमूव और डिलीट फाइल फाइल पूरी फायल को उड़ाना है आपने डिस्क से ठीक है ना डिस्क हार्ड डिस्क और इसका तरीका क्या है किल आगे फाइल का नेम आपको देना पड़ेगा और आप देख लें कि ये यहाँ पर फाइल का नाम ब्रैकेट के अंदर नहीं है ब्रैकेट में नहीं है इसका मतलब क्या है कि आपको फाइल का नाम लाजमी बताना है क्योंकि आप उसको कह रहे हैं कि मारो यानी खत्म करो किसको खत्म करो आपको नाम बताना पड़ेगा ठीक हो गया तो किल आगे फाइल का नेम आपने देना ये इसका सिंटेक्स हो गया चले जी आगे चलते हैं जी और एग्जांपल देख लें किल आगे इन्वेंट्री नॉट बी इन्वेंट्री डॉट बी एस अच्छा बेसिक कमांड बेसिक लैंग्वेज uh, के अंदर आप कोई भी जब फाइल सेव करते हैं ना आपको बताया भी था मैंने दूसरे तीसरे लेक्चर में कि बेसिक में जब हम प्रोग्राम को सेव करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट क्या बन जाती है डॉट बी

तो किल एक और, एक और एग्जाम्पल किल जी कॉलन यानी जी ड्राइव के अंदर गुड्स नाम की डायरेक्टरी के अंदर यानी डायरेक्टरी मतलब फोल्डर उसके अंदर एक इन्वेंट्री नाम का प्रोग्राम है या फाइल है जो भी है डॉट स्टार लगा दिया यानी स्टार से बरादे के डॉट बी एस एक्सटेंशन भी हो सकती है सारी एक्सटेंशन वाली इन्वेंट्री नाम की सारी फाइलें उड़ा दो यार यानी डी ड्राइव के अंदर गुड्स नाम के फोल्डर में इन्वेंट्री नाम की जितनी भी फाइलें हैं एट कोई भी विद एनी एक्सटेंशन जरा गौर करें नीचे इसने क्या लिखा विद एनी एक्सटेंशन तो उसने डॉट बी एस भी कर सकता था लेकिन उसने कहा इनवेंट्री नाम की सारी फाइलें उड़ा दो ठीक है कहां पर जी ड्राइव के अंदर उसके अंदर एक फोल्डर पड़ा हुआ है गुड्स नाम का वहां पर जाकर आपने उड़ा देना ठीक है, है तो सिंपल सी कमांड थी ये ठीक हो गया लेकिन उसने नीचे नोट भी दिया हुआ बी वेरी केयरफुल आपने बहुत एहतियान से एहतियात कि, से किल कमांड इस्तेमाल करनी है ये ना हो कि आप अपना कोई इंपॉर्टेंट प्रोग्राम उड़ा दें ठीक है चले जी अगली कमांड है हमारे पास लिस्ट कमांड जी लिस्ट कमांड क्या करती है अच्छा जी लिस्ट कमांड क्या करती है देखिए बेटा जी आप लोग अगर सपोज करें आपके पास ना आ, किसी दोस्त के कंप्यूटर में आप चले गए हैं किसी दोस्त का लैपटॉप आपको मिल गया वहां पर ढेर सारे जी डब्ल्यू के प्रोग्राम पड़े हुए हैं ठीक है आप क्या करते हैं उनको लोड करते हैं लोड, है, लोड करके उनको चलाते हैं चलाने का क्या तरीका कर रन करना है लोड किया आपने रन किया आपके सामने आउटपुट आ रही है

मैंने कहा पहले से सेव शुदा प्रोग्राम में लिस्ट करते हैं और और जो करंटली भी आप बना रहे हैं और उसको रन किया तो जाहिर सी बात है वो भी गायब हो जाएगा तो उसको दोबारा लाने के लिए लिस्ट कमांड इस्तेमाल होती है प्रोग्राम ये बात तो बार बार क्लियर हो रही है कि एक वक्त में एक ही प्रोग्राम लोड होता है जी जो आप लोड करेंगे बस वही होगा ठीक है ले जी लोडेड प्रोग्राम को दिखाने के लिए डिस्प्ले करवाने के लिए पार्शली और कंप्लीटली पार्शली का मतलब है आधा अधूरा दो तीन लाइनें देखनी है या पूरा प्रोग्राम देखना है ऑन द स्क्रीन स्क्रीन पर देखने के लिए लिस्ट कमांड इस्तेमाल होती है ठीक हो गया बेटा जी सो दिस कमांड इज यूज टू डिस्प्ले अ लोडेड प्रोग्राम पार्शली और कंप्लीटली यानी आधा या पूरा पूरा प्रोग्राम जो भी लोड हुआ हुआ है उसको आप दिखाने के लिए स्क्रीन पर जो है लिस्ट कमांड इस्तेमाल करते हैं ठीक हो गया और लिस्ट करने का तरीका इसके सेंटेक्स दो है जी अच्छा सेंटेक्स मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जी आपको सारे सेंटेक्स याद करने पड़ेंगे कमांड्स के वो इसलिए करने पड़ेंगे कि आप अपनी जरूरत के मुताबिक आपको नहीं पता आपको सिचुएशन के मुताबिक कौन सा सिंटेक्स जो है वो इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेटर होगा तो अगर आपने एक ही याद किया हुआ तो फिर आपको मसला हो जाएगा इसलिए आपको दो तीन जितने भी उसके सेंटेक्स हैं वो सारे याद करने पड़ेंगे क्योंकि सेंटेक्स का मतलब क्या है कमांड लगाने का तरीका तो कमांड लगाने का तरीका मुख्तलिफ जगह पर मुख्त हो सकता है इसलिए आपको जितने भी सेंटेक्स हैं वो याद करने लें लिस्ट पहला देख लाइन 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 नंबर नंबर डैश यानी इस से लेकर इसने इतनी तक दिखा दो और अगर आपने फाइल को लोड नहीं किया तो फाइल का नाम भी देना पड़ेगा आपको तो अच्छी बात तो कि हम पहले लोड कर लें तो फिर हमें फाइल का नाम नहीं देना पड़ेगा सारी चीजें बड़ी ब्रैकेट में इसका मतलब है सारी लाइन नंबर डैश आगे फाइल नंबर यानी आपने स्टार्टिंग लाइन नंबर बता दिया एंडिंग नहीं बताया डैश के बाद यानी यहां से लेकर लाइन नंबर एंड तक पूरे दिखा दें और फाइल नेम आपको बताना पड़ेगा ऑप्शनल है ठीक हो गया ले जी नीचे आ जाते हैं एग्जाम्पल पर सीधा स्ट्रेट में इंटरप्रिटेशन आपकी मर्जी आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं बहरहाल देखिए जी सिंपल लिस्ट उसने किया इससे क्या हुआ लिस्ट ऑल द लाइन इन द प्रोग्राम सारी लाइनें प्रोग्राम की दिखा दी उसने ठीक है ना और नॉर्मली हमें पूरा प्रोग्राम ही तो देखना होता है दो तीन तो लाइनों का प्रोग्राम होता है बहरहाल ले जी अगली एग्जाम्पल देखे लिस्ट डैश ट्वेंटी इसका मतलब क्या है यानी स्टार्टिंग लाइन नंबर नहीं दिया यानी लाइन नंबर वन या टेन जहां से भी स्टार्ट हो रहा है ट्वेंटी तक लाइने दिखा दो ठीक है उसके बाद अगली एग्जाम्पल देख लें लिस्ट टेन डैश ट्वेंटी इसका मतलब क्या है दस से लेकर बीस तक दोनों दिखा दो यानी दो है तीन है दस से बीस के दरमियान भी लाइन नंबर आ सकते हैं तो जितने भी लाइन नंबर है दस से लेकर बीस तक सारे दिखा दो और आखिरी आप देख लें एग्जाम्पल लिस्ट ट्वेंटी डैश इसका मतलब क्या है यानी से लेकर एंड तक क्योंकि एंड उसने नहीं दिखाया तो ट्वेंटी से लेकर एंड तक जितने भी लाइन नंबर है वो सारे के सारे दिखा दें ठीक हो गया जी तो वो यही कह रहा है लिस्ट द लाइन ट्वेंटी थ्रू एंड ऑफ द प्रोग्राम क्लियर होगी बात जी तीन चार एग्जाम्पल जो आपको दो तीन अच्छी लगे वो आप याद कर सकते हैं लिख सकते हैं ले जी उससे अगली कमांड है जी लोड कमांड ले जी लिस्ट करने से पहले आपको प्रोग्राम को लोड करना पड़ेगा अच्छा अब लोड के भी दो जो है ना वो मकसद है अगर तो सपोज करें आप फ्रेश प्रोग्राम बना रहे हैं फ्रेश प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें तो आपको लोड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी लोडेड है क्योंकि आपने अभी तो क्रिएट किया है अभी तो आपने टाइप किया है हाँ लोड कमांड वहां इस्तेमाल होती है जहां पर पहले से सेवशुदा प्रोग्राम पुराने प्रोग्राम्स को यूज करना है आपने तो वहां पर आपको लोड करना पड़ेगा क्योंकि लोड करेंगे तो आप लिस्ट कर सकते हैं तो आप उसे रन कर सकते हैं तो आप उसे एडिट कर सकते हैं तो लोडिंग जो है वो पहली चीज़ है जो करनी पड़ती है पहले से सेवशुदा प्रोग्राम को आपने चलाना है तो मैंने आपको बताया था ना इसी चैप्टर के शुरू में दूसरा लेक्चर था शायद या पहला लेक्चर था जिसमें कमांड्स हमने पढ़ी थी रन लोड से वहां पर भी ये बात क्लियर हुई थी कि बेटा जी आपको जब भी आपने कंप्यूटर में कोई चीज स्टार्ट करनी होती है चलानी होती है रन करनी होती है तो आप डबल क्लिक करते हैं नॉर्मली वो चल जाती है बेसिकली वो लोड हो रहा होता है प्रोग्राम रैम पे ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लें जो भी चीज इस वक्त ये मेरा मेरे सामने जो है मेरा सॉफ्टवेयर ये ओपन है एक्रोबेट रीडर वाला ये भी इस वक्त रैम पर लोड हुआ हुआ है जो भी चीज आपके सामने चलती है ना कंप्यूटर के अंदर लैपटॉप के अंदर मोबाइल के अंदर वो लोड होती है तो चलती है तो चूंकि बेसिक प्रोग्राम जो है बेसिक लैंग्वेज जो है वो इतनी छोटी है उसमें लोडिंग खुद से नहीं होती आपको करवानी पड़ती है आप डबल क्लिक करते हैं वो लोड नहीं हो सकता आपको कमांड क्योंकि ये है ही कमांड ड्रिवन तो कमांड आपको देनी पड़ेगी तो लोड कमांड बड़ी इंपॉर्टेंट है जी करती क्या है दिस कमांड लोड्स अ फाइल लोड करती है किसी फाइल को फाइल से प्रोग्राम फाइल ठीक है फ्रॉम डिस्क टू मेमोरी अब डिस्क से क्या है हार्ड डिस्क और मेमोरी से रैम ठीक हो गया ये कॉन्सेप्ट मैं आपको नाइन्थ में दे चुका हूँ दो तरह की मेमोरीज होती हैं एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम और वहां पर भी ज्यादा किरदार रैम का होता है रोम का, का काम बहुत थोड़ा होता है सो प्राइमरी मेमरी से मराद है रैम रैम कंप्यूटर का वर्किंग एरिया होता है रैम पे आएगी चीज तो चलेगी यानी आपने डिस्क से मेमोरी में लोड करवानी है मेमोरी 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 से में 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 से नॉर्मली रैम ही होती 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 है 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 अच्छा अब डिस्क क्या होती है? डिस्क क्या सेकेंडरी सेकेंडरी पर डेटा जो है परमानेंटली uh, सेव होता है तो हार्ड डिस्क को शॉर्ट करके वो जो है वो डिस्क सिंपल बोल देते हैं या डिस्क से माता यहाँ पे सी भी हो सकती है सेकेंडरी मेमोरी में कुछ भी आ सकता है यूएसबी डिस्क भी हो सकती है ठीक है ना सो so, नॉर्मली जो है हार्ड डिस्क होती है क्लियर होगी बात जी

अगर हम चाहते हैं कि वो लोड होने के साथ साथ चला भी भी दे, दे, रन भी कर दे, तो उसके लिए आर का स्विच है ठीक है ना कह रहा है लोड डी कोलन वही उसने फाइल को चलाना चाह रहा है लोड डी फैक्ट डॉट बी एस वही फाइल का नाम है प्रोग्राम का नाम है और कॉमा आर आपकी बार उसने साथ में आर लगा दिया इससे क्या हुआ फाइल समझ आ गई ना यानी उसने लोड भी किया और चला भी दिया एग्जीक्यूट का मतलब है रन करना चलना आउटपुट दिखाना ठीक है ये यहां पर भी लिखा हुआ इसकी interpretation में इफ द आर ऑप्शन इज with विद लोड कमांड द प्रोग्राम after आफ्टर इट इज लोडेड वो साथ लोड होने के साथ ही आपको आउटपुट भी दिखा देगा तो आपकी मर्जी है अगर आप चाहते हैं कि लोडिंग के साथ ही आप आउटपुट देखना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं जी बेटा जी तो अगली कमांड है हमारी एम के डी आई आर कमांड जो है ये, ये बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे मतलब ये ये तो बिल्कुल सेम कमांड है जो डॉस में हमने यूज की थी नाइन्थ क्लास के अंदर मेक डायरेक्टरी आपने को फोल्डर बनाना है ठीक है तो उसके लिए ये कमांड इस्तेमाल होती है दिस कमांड इज यूज टू क्रिएट अ सब डायरेक्टरी डायरेक्टरी कह लें सब डायरेक्टरी कह लें एक ही बात है क्योंकि एक फोल्डर के अंदर अगर फोल्डर होगा तो उसे सब डायरेक्टरी कहते हैं ठीक हो गया क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है एम के डी आई आर और आगे आपने पाथ नेम लाजमी बताना है यानी कि किस जगह आपने क्योंकि कंप्यूटर बहुत बड़ा है तो आपको पाथ नेम लाजमी है इसीलिए ब्रैकेट के अंदर नहीं है ठीक है हाँ अब आप कितना लंबा पाथ नेम दे सकते हैं सिक्सटी थ्री कैरेक्टर्स का ये एक शॉर्ट क्वेश्चन या आ सकता है जी ले जी एग्जाम्पल इसकी देख लें एम के डी आई आर और डी कॉलन बैक स्लैश डी ड्राइव के अंदर बैक स्लैश का मतलब है कि गुड्स नाम की फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर बनाओ बैक स्लैश इन्वेंट्री ठीक हो गया। आपको पता ही है, पाथ देने के लिए बैक होती है, है।, तो है, है क्रिएट हो जाएगी इन्वेंट्री नाम की होगी गुड्स नाम के फोल्डर में या डायरेक्टरी में और ये गुड्स नाम का फोल्डर पड़ा कहा के अंदर गया? हो गया क्लियर होगी बात जी अच्छा जी बहुत ही सिंपल जैसे हमने डॉस में पढ़ी थी सेम कमांड आ गई उसके बाद अगली कमांड है हमारे पास नेम कमांड ले जी आपने एक प्रोग्राम बनाया उसको सेव कर लिया उस मतलब फाइल सेव हो गई आपके सामने प्रोग्राम जब भी आप ये, नहीं, ये बात तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए अब तक कि आप कंप्यूटर में जब भी कोई चीज सेव करते हैं चाहे वो प्रोग्राम है चाहे वर्ड में काम कर रहे हैं चाहे एक्सेल में काम कर रहे हैं या कोई सॉन्ग है वो हर चीज कंप्यूटर में एक फाइल की सूरत में होती है ठीक है ना तो इससे कंफ्यूज नहीं होना जो भी चीज आपने बनाई है वो फाइल है

उसके बाद आपने न्यू नेम बताना है यानी नया नेम ये रखते हैं ठीक है थीके? बहुत ही सिंपल सी है ले जी इसका सेंटेक्स एग्जाम्पल देख लें इसकी नेम रिमार्क्स डॉट डी यानी एक डॉक्यूमेंट फाइल अच्छा ना सिर्फ वर्ड की ना सिर्फ जो है वो आप बेसिक की फाइल बल्कि देखो डॉट डी ओसी वर्ड की फाइल का नाम भी आप चेंज कर सकते हैं इसी कमांड से ठीक है सो रिमार्क्स डॉट डी ओसी को आपने चेंज कर दिया आर एम के एस डॉट डी ओसी

Uh, के नाम से uh, जो है वो सेव हो जाएगी यानी वही नाम का फाइल का नाम चेंज हो गया अच्छा जी अगली कमांड है हमारे पास री नम कमांड री नम री नंबर से निकला है यानी प्रोग्राम की लाइन नंबर तब्दील करना चाह रहे हैं आपने एक प्रोग्राम लिखा है तो उसके अंदर आपने कोई नई लाइन जो है वो एड करनी है तो अब आप uh, एक तो तरीका कार है कि फिर से नए सिरे से सारा प्रोग्राम लिखें लेकिन बेसिक के अंदर आपको यह सहूलत दी गई है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक लाइन को भी तब्दील कर सकते हैं ठीक हो गया इसकी डेफिनेशन देख लें दिस कमांड इज टू द प्रोग्राम आप प्रोग्राम आप की लाइनों को को के तब्दील कर सकते हैं ठीक है ले जी सेंटेक्स देखें री नम उसके बाद न्यू नंबर पहले देना अच्छा यहाँ पर एक कंफ्यूजन आ जाती है जरा गौर करें नेम कमांड में पहले पुराना नाम दिया जाता था ठीक है जबकि री नंबर में नया नंबर पहले देना है आपने उसके बाद कॉमा ओल्ड नंबर ठीक हो गया और फिर आपने कॉमा इंक्रीमेंट और ज्यादातर हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आपने बढ़ाना है या कम करना है वो आप दे सकते हैं ठीक हो गया ये इसका सेंटेक्स हो गया आपके सामने आप जरा गौर कर लें सारी चीजें ऑप्शनल है है क्लियर बात जी ले जी ले रीनम रीनम आप सिंपल री लिख सकते हैं तो लिखा है उसने इससे क्या होगा असाइन न्यू नंबर टू द होल प्रोग्राम यानी पहले कोई भी सेटिंग थी बाय डिफॉल्ट सेटिंग हो जाएगी नया नंबर क्या है यानी स्टार्टिंग लाइन नंबर टेन हो जाएगा हमेशा और ये तो आपको पता है बाय डिफॉल्ट टेन ट्वेंटी थर्टी इस तरीके से ही चलता है ठीक हो गया हो सकता है पहले किसी ने चेंज किया हो हंड्रेड कर लिया हो टू हंड्रेड लिया हो तो गया लाएं और गैप ऑटोमेटिकलीनम एट्टी कॉमा कोमा थर्टी अच्छा जो कॉमे है वो लाजमी बीच में आएंगे जरा सेंटेक्स देख लेना ये देखें ये दो कॉमे लगे हुए हैं आपने ओल्ड नंबर नहीं देना आपकी मर्जी लेकिन कॉमास जो है वो लगेंगे ले जी, 80 कॉमा थर्टी इसका मतलब क्या है जो भी आपके पास पुराना लाइन नंबर था टेन था फिफ्टी था वट्स वो उसको कर दो एट्टी और पुराना लाइन नंबर नहीं बताया उसने न, क्योंकि पुराना तो उसको पता ही है ना बेसिक को प्रोग्राम के अंदर लिखा हुआ है तो पुराना जो भी था उसको 80 कर दो और हर नई लाइन में 30 का गैप कर दो यानी लाइन नंबर 80 स्टार्टिंग हो जाएगा तो स्टार्टिंग 80 के बाद अगली लाइन नंबर क्या होगा 110 हो जाएगा 30 ऐड होगा ना फिर 110 के बाद क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा 140 के बाद फिर 170 एंड 200 इस तरीके से ये लाइन नंबर्स चलते चले जाएंगे और एक और कमांड एक एक और एग्जांपल्स ने दे दिया रीनम रीने रीनम 150 कॉमा और कॉमा 50 इसका मतलब क्या है कि 70 नंबर लाइन को 150 कर दो और हर अगली लाइन के अंदर गैप जो है इंक्रीमेंट जो है वो पचास का देना है आपने ठीक हो गया बेटा जी ले जी तो ये आ, आपकी जो है आज का मेरा ख्याल लेक्चर खत्म हो गया आ, मैंने चार पांच कमांड्स आज करवा दी हैं आपको इसको आप देख लें अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं ठीक है अच्छा जी अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा जी थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज